हेलो इंजीनियर्स, दिस इज रोबरी संदीप। तो आज आपके सामने लाए हैं ये जो स्मार्ट डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये एक स्मार्ट डिस्प्ले है, मतलब इस पर टच स्क्रीन भी है। तो आप बिना कोडिंग के इस पर कोई भी प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके। आपका प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको फोटोशॉप के माध्यम से इस पर डाल सकते हैं और ये टच स्क्रीन का काम करेगा। वो किस प्रकार से करते हैं आज इस वीडियो में बताएंगे, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। This video sponsored by StoneITech.com. Stone company provide करता है smart display. इस पर आप लोगों को available मिल जाएगा industrial type, advanced type, civil type और इस पर कोई भी size select कर सकते हैं। Display का size select करके सिर्फ order कर दीजिए और 10 दिनों के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका display. तो अभी ये setup देख सकते हैं, यहाँ पे display है और हमने यहाँ पे जो कि microcontroller लगाया है और relay के माध्यम से आप operating कर सकते हैं AC light और DC light, कोई भी light को। तो टच स्क्रीन से ये काम करेगा, टच स्क्रीन प्रोग्रामिंग यहाँ पे डालेगा जो कि है MAX232 का जो आईसी है वो RXTX को कंट्रोल करेगा करके जो कि MCU पे भेजेगा। भेजने के बाद ये ऑपरेटिंग होगा। तो अभी आपको पावर देते हैं, दिखा के दिखाते हैं। तो अभी पावर आ गया है, तो अभी इसमें दिखा रहा है AC और DC। तो हम लोग पहले DC में जाएंगे। तो डीसी में जाने से देखिए, डीसी में आप जो कि डीसी लाइट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी कलर कर सकते हैं। और यहाँ पे बैक है, बैक देने से फिर से आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। और अभी हम लोग AC पे जाएंगे। AC पे आप इतने सारे बटन फिट कर सकते हैं और भी बटन फिट कर सकते हैं, आप जितने चाहे उतनी बटन फिट कर सकते हैं और रिले भी उतना होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ दो रिले को इस दो लाइट पर हमने इस्तेमाल किया है, दो स्विच को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अभी देखे आता है, तो पहले जो स्विच दबाएंगे तो ये एक एक करके ग्लो करेगा। तो देखा आपने, ये ग्लो कर रहा है। फिर से बंद कर सकते हैं, तो इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं AC को। तो ये डिस्प्ले से आप कोई भी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे बैक है, बैक देने से फिर से डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो इस तरह आप AC को टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये सर्किट डायग्राम और इस डिस्प्ले पर किस प्रकार से लगाया है सब कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो ये जो आप टच स्क्रीन डिस्प्ले देख रहे हैं, तो ये एक स्मार्ट टच स्क्रीन डिस्प्ले है। तो इसके पीछे का कनेक्शन एक्चुअली में क्या होगा, तो देखिए पीछे जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस पर इसका जो CPU जो प्रोग्रामिंग है इस पर डाला हुआ है। और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं, फ्लैश के लिए ये बैटरी यूज़ हुआ है। और ये वाला जैक जो है इस पर हम लोग यूज़ करेंगे स्पीकर लगा के, ठीक है। ऑडियो फंक्शन इसमें होगा। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये कनेक्शन हम लोग लगाएंगे RS232 या फिर RS485 या फिर TTL या फिर कोई भी MCU का कनेक्शन इस पर हम लोग करेंगे। तो इसका कनेक्शन देखिए, यहाँ पे जो फास्ट दो पिन है वो ग्राउंड है, उसके बाद जो पिन है NC मतलब नो कनेक्शन, उसके बाद है DIN मतलब डाटा इन, इस पर डाटा इन होगा, मतलब जो हम लोग MCU है इसका जो TX पिन होगा वो इस पर होगा, DIN पर, ठीक है। तो डी आउट मतलब डाटा आउट, तो हम लोगों का MCU का जो RX पिन है उस पर लगेगा। इसका जो डी आउट है वो है TX और डी इन जो है वो है RX। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद जो है NC मतलब नो कनेक्शन, ये भी नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं होगा। उसके बाद VIN मतलब वोल्टेज इन मतलब इस पर हम लोग जो कि 12 वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट से ये नहीं चलेगा, डायरेक्ट 12 वोल्ट से ये चलेगा। और ये जो USB आप देख रहे हैं, इस पर हम लोग जो पेन ड्राइव लगा सकते हैं और प्रोग्रामिंग डालने के लिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट से चलता है और इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं ST-B-C070WT-01, ठीक है। तो ये इसका मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर देख के आप लोग पता कर सकते हैं इसका जो डिस्प्ले का जो इसका स्क्रीन साइज और इसका मेजरमेंट क्या होगा, वो सब कुछ आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मॉडल नंबर सीरियल वाइज दिया हुआ है,
इस कंपनी का जो जो डिस्प्ले है इस सीरियल नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारा जो मॉडल नंबर का जो देख सकते हैं STB C070WT01, तो ये रहा इस डिस्प्ले का मॉडल नंबर। तो हम लोग इस डिस्प्ले का मॉडल नंबर से हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दे रखा है। तो ये मॉडल नंबर हम लोग देख सकते हैं 7 इंच का है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले 7 इंच का है इस मॉडल नंबर का। और आगे देखेंगे तो इसका जो स्केल होगा 16:9 होगा, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले का स्केल, उसके बाद रेजोल्यूशन होगा 800x480, उसके बाद कलर होगा 65K, उसके बाद CPU, उसके बाद ब्रेक लाइट, ब्राइटनेस, सब कुछ इसमें सीरियल इसमें दे रखा है। और इसका जो जो फ्लैश मेमोरी का जो साइज़ है वो देखिए यहाँ पे 128, सभी का 128 है। तो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो आप यहाँ से देख के आप प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं। और ये जो डिस्प्ले है इसका मेन थिंकिंग है, इसका कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो इस पर डालेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालेंगे, वही आपका प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। अगर आपको इस डिस्प्ले का प्रोग्रामिंग और सर्किट डायग्राम के बारे में जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। वहाँ पे जाके आप आसानी से सीख सकते हैं किस प्रकार से इसका प्रोग्रामिंग करते हैं और इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार से हमने कनेक्शन किया है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।